कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के मंडला में गुरुवार को जनाक्रोश रैली में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान जहां मौजूदा बीजेपी सरकार पर हमला किया तो साथ ही कांग्रेस की तरफ से बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने का वादा भी किया। प्रियंका गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब भर्ती की परीक्षाओं में घोटाला है तो नौजवान करे क्या, पढ़ाई करते हैं और अच्छे अंक लाते हैं, आगे जाकर फीस भरते हैं, माता पिता बच्चों को बाहर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं कि अच्छा भविष्य बनेगा, लेकिन परीक्षा में घोटाला हो जाता है, परीक्षा में पास होता है तो नियुक्ति नहीं होती। सबसे बड़ा व्यापम का घोटाला हुआ, कितने लोगों की जान चली गई, कोई जांच नहीं हुई। साथ ही प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर बच्चों को पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रियंका ने कहा कि इस योजना के तहत पहली से आठवीं के बच्चों को 500 रुपए प्रति महीने, नौवीं से दसवीं तक 1000 रुपए प्रति महीने और ग्यारहवीं से बारहवीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।